ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आजमा रहा हूँ आपको बाबा साहब, आपको फैसला लेना होगा बाबा साहब, आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं? करता हूँ, हद से प्यार करता हूँ। तो आपको इन पेपर पे साइन करना पड़ेगा। अर्जुन, बाबा साहब दरवाजा खोलिए, बाबा साहब लाओ, मैं साइन करता हूँ, इसको हटा। अर्जुन, वो तुम्हारे बाबा साहब, पिछले जन्म में भी तुम्हारे बाबा साहब थे। प्लीज अर्जुन, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है, कुछ भी करने से पहले सोच लो। अर्जुन ने काम कर दिया। अर्जुन, आखिर तुमने बाबा साहब से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा ही लिए। अर्जुन, क्या हो रहा था अंदर? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है ये? मैं अंदर बाबा साहब के कमरे में क्या कर रहा था, और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स किसने भेजा मुझे? क्या तुम क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हो यार? पिछले जन्म में हमारी जान लेके चैन नहीं मिला कि फिर कान करने आ गई? मतलब अर्जुन के दिमाग से पिछले जन्म की बुरी यादें पूरी तरह निकली नहीं। ओह गॉड, उसे फिर से याद आ गया कि मैंने उसका खून, नहीं अब क्या करूं? अर्जुन तुम क्या? अर्जुन तुम क्या? तुम निकलो यहां से, मेरे घर की तरफ फिर से आंख उठा के मत देखना, आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। अर्जुन, तुम्हें सब याद आ गया ना? याद है ना तुम्हें क्या किया था निशा ने तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हम दोनों की जान ले ली थी, याद है ना तुम्हें सब कुछ? चुप हो जाओ, ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम इसका बिल्कुल यकीन मत करो। ओह गॉड, ऐसे हालात में कुछ भी नहीं कर सकती, बोलेंगे कि ये हाउसमेट क्यों बीच में बोल रही है। अर्जुन चलो, अर्जुन छोड़ो मुझे। मैंने कहा था तुमसे कि अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। पर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, ऐसे बेहोशी के दौरे आते रहते हैं, 15 मिनट तो ठीक हो जाएगा, इसे अपने रूम में ले चलो। एक सेकंड, तुमने कहा 15 मिनट में ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्या मतलब है? हालत देखो अर्जुन की, ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। ओके, पर हम डॉक्टर को यहाँ पर भी तो बुला सकते हैं ना? राइट, लेट मी कॉल द डॉक्टर। अर्जुन की इलाज की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मैंने कहा ना तुमसे 15 मिनट दो, वो ठीक हो जाएगा। आई गेट इट, तुम हॉस्पिटल ले जाने इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा कि तुमने पिछले जन्म में इसका मर्डर किया था। मैं क्यों डरूंगी और क्या छुपाना है मुझे? जब अर्जुन को होश आ जाएगा ना तो सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। अर्जुन को मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हें कोई हक नहीं। ये अर्जुन पिछले जन्म में मेरा आदि था और इस जन्म में भी ये मेरा अर्जुन है, इस पर मेरा हक है। और तुम किस हक की बात कर रही हो? पिछले जन्म में भी हम पति पत्नी के बीच तुम वो, मतलब दूसरी औरत बनकर आ गई थी, और शायद इस बार भी तुम वही जगह लेना चाहती हो। शराब बस करो दोनों, अर्जुन यहाँ पर जमीन पे गिरे हुए हो और आप दोनों लड़े जा रही हो। तुम्हारी चैती को समझा रही हूँ मैं। 15 मिनट ना, फाइन 15 मिनट वेट करूंगी, और अगर अर्जुन को होश नहीं आया तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, इंसानियत के नाते। इसे रेस्ट की जरूरत है और मैं हूँ इसके साथ। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम उसके साथ, मैं अर्जुन को ऐसी हालत में तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम पुलिस को बुला लोगी। फाइन बुला लो, चिन्नी है ना गवाह, वो पुलिस को बताएगी कि बेहोश होने से पहले अर्जुन ने क्या कहा था, और तुम्हारी ये मेड
ये भी तो है। देखो तुम बाहर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी, तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी, यू डिसाइड। टाइम देख लो निशा, 15 मिनट में अगर अर्जुन को होश नहीं आया तो उसे मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। मैम मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। मैं देखती हूँ बाबा साहब ठीक से सो गए या नहीं, तब से इतना शोर हो रहा था। देखते अब ना मैं अंदर जाकर अर्जुन से बात कर सकती हूँ और ना प्रिया अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट कर पाएगी और अर्जुन की पुरानी यादें नई यादों में बदल पाएगी। कहीं होश में आने के बाद फिर से अर्जुन मेरे खिलाफ हो गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। आज रात ही इस बड़ी जिया को इस घर से निकालना होगा मुझे। अर्जुन की रगों में है तो बाबा साहब का खून ही ना, तुम चाहे कितना भी बहकाने की कोशिश करो निशा, उसकी याददाश्त वापस आते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। खुद बात करने आऊंगा मैं। तुम भूल कैसे सकते, तुमने अभी तो कहा था। देखो ऐसा तो हुआ नहीं है, अगर हुआ तो मैं उसे भूलना चाहूंगा। तुम यहाँ सिर्फ काकी माँ की वजह से हो, समझ रही हो ना? सबको परेशान करना बंद करो और जाओ। पर अब तुम्हें सो जाना चाहिए जिया, अर्जुन की तबीयत भी ठीक नहीं है, सो ही नीड्स टू रेस्ट। जाओ अर्जुन, जाकर सो जा। इट्स अ मिरेकल डॉक्टर प्रिया, 15 मिनट पहले बेहोश होने से पहले उसने जो कुछ भी कहा था वो सब भूल गए। ये चमत्कार सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, आपके लिए भी है मैम। आज मैंने अर्जुन को ही नहीं बचाया बल्कि आपको भी एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। मतलब? मतलब ये कि ये सब ना मेरी मेहनत का नतीजा है। रियली? आप तो किचन में कॉफी बनाने गए थे। एग्जैक्टली, और फिर याद है ना कैसे तुम्हें जानवी ने पिछले जन्म में मार दिया था, तुम दोनों को अलग कर दिया था। इस जन्म में भी वो वही करना चाहती है, तुम्हें निशा से दूर करना चाहती है। तो तुम बस एक बात याद रखो, जानवी को दूर करो और निशा को बचाओ। बोलो अर्जुन। निशा को बचाओ, जानवी को दूर करो। तो इस तरह आपकी कॉफी लाने के बहाने मैंने आपका काम कर दिया। You are a genius. मानना पड़ेगा आपको, ये जो जिया है ना ये बहुत शातिर है। वो तो है, और इस जिया का जल्द से जल्द कुछ करना होगा। एक्सक्यूज मी, तुम हाउसमेड हो राइट पूजा? प्रिया नाम है मेरा। सॉरी। तुम मुझे देखकर जा क्यों रही थी? मुझसे बच रही हो या काम से बच रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है पिंकी। प्रिया, प्रिया नाम है मेरा। अगर मुझे ब्रेकफास्ट में एवोकाडो जूस और ओट्स नहीं मिलते ना तो मैं सबको तकलीफ देती रहती हूँ। सो कम ऑन क्विकली, मेरे लिए तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ। क्या हुआ, नहीं आता? मुझे ना सिर्फ पंजाबी खाना बनाना आता है। ओके
ओ, पर काकी माँ को तो दाल बाटी चूरमा पसंद है, वो बना लोगी? मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ पंजाबी खाना बनाना था। ओके फाइन, तो फिर दम आलू पंजाबी स्टाइल, वो बना दो। क्या हुआ, वो भी नहीं आता? तो तुम मक्की की रोटी बना लो। कम ऑन, वो तो पंजाबी ट्रेडिशनल डिश है, वो तो तुम्हें आती होगी। एनसी उसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो जल्दी से स्टार्ट करो। ओके प्रियंका? प्रिया नाम है मेरा। ओके, आज साबित हो जाएगा कि तुम्हें सच में खाना बनाना आता है या दूसरों को बेवकूफ बनाना। तुम सच में इस घर के हाउसमेट हो या निशा के साथ उसकी पार्टनर इन क्राइम। घर में रहकर मुझे फोन क्यों कर रही है ये? यस डॉक्टर प्रिया, आपने ना कुछ भी बोल के मुझे परेशानी में डाल दिया है। ये जी आप परखना चाहती है मुझे कि मैं हाउसमेट हूँ या नहीं? इतना लंबा ऑर्डर देके चलेगी ये खाना बनाने के लिए? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। आप क्या करेंगे कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन ये जिया ना बहुत कुछ करने वाली है। बैठे बिताए आफत आ गई है। ओके, सो किसी से रेसिपी ले रही थी या बाहर से खाना ऑर्डर कर रही थी? प्रीति, प्रिया नाम है मेरा। और क्या बकवास है ये? और मैं क्यों बाहर से खाना ऑर्डर करूंगी? अभी ना तो मुझे अपना काम करने दो। हाँ हाँ प्लीज काम करो, इसीलिए तो आई हूँ। मैंने सोचा यहाँ बैठकर या खड़े रहकर मैं देख लूंगी तुम क्या बना रहे हो, इसी बहाने मैं भी कुछ सीख लूंगी। तुम्हारी ना इन बातों से ना किसी का पेट नहीं भरने वाला है, तो तुम्हारी परमिशन हो तो मैं खाना बना लूं? ऑफ कोर्स खाना बनाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि सबको क्या खिलाओगी या सिर्फ बातें सुनाओगी। मैं जानती हूँ तुम्हें अकेले काम करने की आदत है, बट मैं यहाँ रुक कर तुम्हें कंपनी देना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपके लिए काम है मेरे पास। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और काम हो जाना चाहिए। क्या वो सब ठीक है? परेशान लग रही हो। तुम परेशान हो तो तुम्हारी परेशानी देखकर मैं भी तो परेशानी होंगी। मैं परेशान नहीं हूँ। तुम अपने दिल की बात छुपा लो अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। काकी माँ और चिन्नी को तुम इतने प्यार से इस घर में देख रहे हैं, पर वो तुम्हारे साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और फिर बाबा साहब भी तो तुम्हें नहीं पहचान रहे। ये सब उस जिया की वजह से हो रहा है। और जल्दी उसका खेल खत्म कर दूंगा, मैं पर्दाफाश कर दूंगा उसका। लेकिन कब? वक्त बहुत कम है हमारे पास। मेरा मतलब है कि बाबा साहब को बहका कर कहीं प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन ना कर दे, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारे परेशानी की जो जड़ है उसे निकाल कर बाहर फेंक दूं। मतलब जिया की बात कर रही हूँ मैं। उसे इस घर से जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, जिया यहाँ से जाएगी तो काकी माँ भी साथ में निकल लेगी ना। जिया के चक्कर में अपना घर क्यों तोड़ूंगा? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम काकी माँ और चिन्नी को पास वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दें। इस तरह से उन्हें उनकी स्पेस भी मिल जाएगी और फिर जिया भी वहाँ रहने जा सकती है। और एक बार जिया वहाँ रहने चली गई तो तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा और फिर तुम जल्द से जल्द पापा साहब के सिग्नेचर्स प्रॉपर्टी पेपर्स पर ले सकोगे। ऐसा निशा, इस तरह तुम चिन्नी की माँ हो ना, काकी माँ मिलने माँ से बढ़कर है। एक बार खो चुका मैंने, दोबारा नहीं खोना चाहता, इसलिए फिर से ऐसी बातें मत करना, समझे? आदि की तरह इसके दिल में भी परिवार के लिए प्यार उमड़ रहा है। सांप बनकर मेरी कुंडली में बैठी हुई है। ओह गॉड, अभी तो काम शुरू हुआ है, तुम अभी से रोने लगी? लाओ मैं हेल्प करती। तुम्हारी हेल्प की ना कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो कि कैसे घर वालों के लिए तुम खुद अपने हाथों से खाना बनाओगी, राइट पूर्णिमा? प्रिया नाम है मेरा और सब आता है मुझे। ओह गॉड, oh
इस बार तो तुम्हें मैं खुद दवाई लगा रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर काकी माँ, चिन्नी आदि या बाबासा को परेशान करने की कोशिश की ना, तो तुम दवाई लगाने की भी लायक नहीं रहोगी। अलग निरंजन, अलग निरंजन। ये कौन आ गया? अलग निरंजन, अलग निरंजन। कौन है आप लोग? हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। पर आपको बुलाया किसने? मैंने बुलाया है। आइए। नमस्ते। काकी माँ, जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में चैन की नींद नहीं सो पाई है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में शांति नहीं है। इसीलिए आज मैंने घर में एक छोटी सी पूजा रखवाई, अर्जुन की और सभी परिवार वालों की लंबी उम्र के लिए भी। अर्जुन, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, पूजा पाठ करवा रही है, अच्छी बात है, करवा। निशा कब से पूजा पाठ में बिलीव करने लगी? अभी क्या नया गेम है इसका? आइए, आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए। और आप प्रसाद की? प्रसाद की चिंता मत कीजिए, काकी माँ जब भी पूजा घर में रखती हैं तो ब्राह्मणों को भोजन करवाए बगैर नहीं भेजती। और मैं जानती हूँ कि प्रसाद के तौर पर जो भगवान के लिए भोग चढ़ाया जाता है वो घर का कोई बड़ा ही बनाता है, इसीलिए। चलो, कुछ तो याद है तुम्हें पूजा पाठ के बारे में। ओह, तो ये चक्कर है। प्रिया को किचन से छुट्टी देकर काकी माँ से खाना बनवाना चाहती है ताकि प्रिया को खाना बनाना ना पड़े, इसलिए इतना नाटक। चल चलिए, मेरी मदद कर। जी आप तुम क्या, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अवश्य। आप लोग सच में पंडित हैं या भाड़े पर आए हैं? अपमान, घोर अपमान। तुम्हारा इतना दुस्साहस हमारी साधना की तुलना सामाजिक मोहमाया से करोगी? कदापि नहीं। अब हम इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। गुरु जी, इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक मिनट, मेरी गलती है ना, तो तुम क्यों माफी मांगोगी? मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, आई वाज क्यूरियस। वो क्या होता है वो जो आप लोग पहनते हैं? जनेऊ। जनेऊ वो नहीं पहना है आपने? जहां हमारी विद्या का अपमान होगा वहां हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। देखिए जनेऊ। चुप करो जिया। पर भोजन काकी माँ क्यों बनाएगी? तुम्हारी ये मेड है ना, ये बना लेगी। ब्राह्मणों का भोजन नौकरदार से बनेगा? बहुत हो जजमान, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम चलते हैं। गुरुजी प्लीज, हमें क्षमा कर दीजिए। एक्चुअली लड़की बाहर से आई है तो उसे घर के रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता, और वैसे भी ये इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। हमें क्षमा कर दीजिए, इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर बिना पूजा किए आप इस घर से मत जाइए। पंडित जी, मैं घर की बड़ी हूँ, मेरा मान रख लीजिए, इसे नादान समझ के माफ कर दीजिए। मैं अपने हाथों से आपके लिए शुद्ध खाना बनाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पंडित जी, लेडीज माफी मांग रही है, माफ कर दीजिए। रही बात इस लड़की की, इसकी तो माफी मांगो। I'm sorry. आप पूजा की तैयारी करिए, मैं रसोई देखती हूँ। मंगलनाथ, खुदनाथ, पूजा सामग्री का प्रबंध करो। जी गुरु जी। अच्छा होगा अगर तुम मेरे घर के फैमिली मैटर्स से दूर रहो। यहाँ निशा की जीत हुई और वहां प्रिया की, करना क्या चाहती है ये निशा? कहीं औरत पूजा रखकर? नहीं नहीं, तीव जी और काली माँ की तस्वीर रख दी है। और ये उसको भी रख दी। बस
पूजा में यही सब रखेंगे आप? अब तुम हमें बताओगे कि पूजा कैसे करते हैं? नहीं नहीं, वो तो आपको पता है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि बिना हवन के आप गृह शांति की पूजा कैसे करेंगे? क्या तात्पर्य है तुम्हारा, हमें पूजा करनी नहीं आती? पंडित जी, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो आपके फायदे की बात कर रही हूँ। देखिए, हवन करेंगे तो दक्षिणा भी ज्यादा मिलेगी। अर्जुन ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उसकी फैमिली के लिए पूजा करेंगे तो दिल खोल के दक्षिणा देगा। हम दक्षिणा के लिए पूजा नहीं करते, रही बात हवन की, वो तो हम वैसे भी करने वाले थे। घर में हवन कुंड है? हाँ हाँ है ना, मंगवाइए। ये जिया पंडित जी से हवन और हवन कुंड के बारे में बात क्यों कर रही थी? जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने सिर्फ पूजा रखी थी, ये हवन करने की इजाजत किसने दी इसे, और हवन की आदमी ये क्या करना चाहती है?